आप घूमने के शौकीन हैं, हर रोज नए नए ठिकाने की तलाश रहती है, तब ये स्थल आपके लिए है। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम बिहार के एक ऐसे पर्यटन स्थल से परिचय करा रहा हूँ जिसे देखने के बाद आपको बार बार आने का मन करेगा। आइए आपको परिचय कराते हैं इस पर्यटन स्थल से। ये स्थल एक साथ पर्वत, नदी, सरोवर, जंगल और वन्य जीवों का दीदार कराता है। यह बिल्कुल नया जगह है। यहाँ न ही वाहन की शोर मिलेगी, ना ही कर्कश ध्वनि की गुंज। बिल्कुल शांत, सौम्य और सौंदर्य से भरा। नदी किनारे जंगल में पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच अवस्थित यह स्थल असीमित ऊर्जा का संचार करती है। देखने में बिहार के राजगीर स्थित घोड़ा कटोरा जैसा है, लेकिन पहाड़ी श्रृंखला काफ़ी लंबी है जो झारखंड तक जाती है। पहाड़ी के तलहटी में अवस्थित घरों से पहाड़ी जीवन देखने को मिलता है। पशु पक्षियों की चहचहाहट अजीब कौतूहल पैदा करती है। यह स्थल अपने आप में एक अलग किस्म का पर्यटन स्थल है। यह इको टूरिज्म सेंटर का बेहतर ठिकाना है। सुनिए क्या कहते हैं ग्रामीण राजू महतो। आप सब देख रहे हैं कि कितना ये खूबसूरत डैम है। मैं बाहर हरियाणा में रहता हूँ, तो इन चीज़ों को देखने के लिए हमें मनाली और बड़े बड़े पहाड़ी इलाकों में जाना पड़ता है और बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है इन चीज़ों को देखने के लिए। लेकिन जब मैं अपने गाँव में आता हूँ और जब इसको देखता हूँ, तो मेरा ये मानना है कि अगर सरकार थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दे दे और इस यहाँ पे आसपास थोड़ी सुविधाएं बढ़ा दे, तो ये पिकनिक स्पॉट बन सकता है, जिससे कि इस गांव के लिए रोज़गार वगैरह भी बढ़ सकता है। और जैसा कि व्यू है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ आसपास के गांव, ना कि गांव के लोग, बहुत दूर दूर के लोग भी यहाँ पे एज अ पिकनिक स्पॉट की तरह आ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। यह झारखंड और बिहार के बॉर्डर पे है। यह बिहार के नवादा ज़िले के गोविंदपुर प्रखंड के सरकंदा पंचायत में पड़ता है। यह डेलुआ और पिपरा गांव के बीच में अवस्थित है। चारों तरफ पहाड़ियां हैं, इसके बीच में डैम है। यहां पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता गोविंदपुर होकर जाता है, दूसरा रास्ता नवादा से रोह सिउर होकर जाता है। गोविंदपुर के रास्ते नवादा से दूरी कम है, लेकिन नदी पार करनी पड़ती है, लिहाजा ज़्यादातर लोग रोह के रास्ते करीब 30 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचते हैं। आप इस गांव के हैं, तो थोड़ा इस डैम के बारे में बताइए लोगों को। ये डैम मेरे हिसाब से बहुत बेहतर है, लोग आएंगे तो बहुत पसंद भी करेंगे। बट आने का यहाँ रास्ता नहीं है। आने का जिक्र सभी को होता है, आने का पसंद भी है, मन भी करता है, बट यहाँ एक नदी है, सकरी नदी, जिसपे पुल नहीं है, लोग आ नहीं पाते, अस्त व्यस्त हो जाते हैं कि कैसे जाएं तो जाएं कैसे। आदमी बताया भी जाए कि यहाँ डैम है दिलुआ गांव में, जो कि आप जा सकते हैं, घूमने का अच्छा जगह है, तो आप जा सकते हैं, लेकिन पुल नहीं है, आने का सही से रास्ता नहीं है, इसलिए लोग आ नहीं पाते। इस डैम को किस रूप में देखना चाहते हैं आप? पर्यटक स्थल में जो कि लोग आए, घूमें और बिल्कुल खुशी से जाएं। घोड़ा कटोरा एक आसपास में, उसके बारे में क्या कहना है? घोड़ा कटोरा से कैसे है? घोड़ा कटोरा, मैं भी राजगीर घोड़ा कटोरा गया हूं, लेकिन बना दिया जाए तो उससे ज़्यादा बेहतर हो सकता है।